अभी हम लोग जा रहे गोवा। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा में। चल अभी फिलहाल तो अपन लोग सबसे पहले साउथ गोवा लिए थे, अभी नॉर्थ गोवा जाएंगे। फिर बने रहना, अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं और अपनी ट्रिप चालू होती है। बहुत दिनों से अपन लोगों ने ब्लॉग कुछ बनाया नहीं, तो बोला बना लेते। और अपन ने कार खरीद लिया है, सो चलो। नहीं मानता। 28, 29, 30, 31 का फेस्टिवल बहुत ही जोरों से चल रहा है और कंटिन्यू करते यहाँ से। और पहला तो छूट गया संगम फेस्टिवल का, अभी देखते बने रहना। हाँ तो गाइस अभी हम इधर से आए हैं, तो ये हमारे भाई रजत है। यार रजत भाई क्या कर रहे हो तुम अभी? ऐसा महसूस हो रहा आपको बीच में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीने के पाओ? ये ठंडी ठंडी हवा और कैसा क्या लग रहा है, ये नजारा बता सकते हो हमें भी कैसा क्या लग रहा है करके? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और इसके पहले फ्रूटी लाए थे आपने मेरे लिए, मैंने को भी खूब पीकर खूब आनंद महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है कि क्या बताओ, आपको हम बता नहीं सकते कि कितना प्यारा लग रहा है। चलो अब हमको हम आपको थोड़ी देर में बात मिलते हैं। सॉरी हाँ तो गाइस बोलिए। ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है यहाँ, काफी लहरें आ रही है बड़ी बड़ी और काफी हमें बड़ा मजा आ रहा है। ये देखो ठंडी हवा आ रही है, दिन को नहीं क्या लग रहा है गर्म हो रही है बोलते कोल्ड ड्रिंक। हाँ हमारे को काफी बहुत अच्छा मजा आ रहा है। हमारे लोग आज हमारा आखिरी दिन है टूर पर का, हमें बहुत काफी मजा आया इन 8 दिनों में। चलो हम आपको थोड़ी देर में फिर मिलते हैं फ्राई मच्छी फ्राई के दुकान पे। हम यहाँ पे मच्छी फ्राई अभी खाने वाले और टेस्ट करने आने वाले हैं, तो आपके लिए मिर्ची भजे लाने वाले हैं हम। चलो ठीक है, चलो गाइस। अच्छा सो गाइस, तो गोवा में हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ऊपर से सनबर्न फेस्टिवल है और आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। वैसे तो सनबर्न के 3 हो चुके हैं, 28, 29, 30 डीजे म्यूजिक फेस्टिवल था बिगेस्ट और आज तो लास्ट डे, बहुत मजा आने वाला है। 28 को चार्लोस का था म्यूजिक फेस्टिवल, मतलब डीजे जो भी है। 29 को टिम्मी का था और 30 तारीख का तो बहुत ही हार्डवेल, मतलब बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल, मतलब डांस सब। और आज है 31, आज है एल्सो का डीजे म्यूजिक फेस्टिवल और आज बहुत मजा आने वाला है। और वो तो बात सही है, लेकिन मैं गोवा में नहीं हूँ, मैं फिलहाल तो पता है ना अपने घर में छू। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे, मतलब प्लानिंग उनिंग थी गोवा की, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अपन आए थे ना रामोजी बिलिंग सिटी, तिरुपति बालाजी, चन्ने उन्ने के ब्लॉग अभी डालने का हो, क्योंकि बोला एक सनबर्न फेस्टिवल का एक ब्लॉग बना दूं, तो मैंने अपने दोस्त को मांगा वीडियोस वगैरह, जैसे कि देखा होगा और आवाज़ तो पूरी बैठी है और
है कुछ गोवा के दोस्त लोग, उनसे मंगा लिया वीडियोस वगैरह। वो कैसा फिर कॉपी वगैरह नहीं कर सकते ना, उसको हिसाब से लगाना पड़ता। तो इसके लिए अपन ने ऐसा वाला ब्लॉग बनाया है। और कैसी जा रही है अपनी 30 बस बताओ कमेंट बॉक्स में। वैसे तो ये वाला ब्लॉग दोपहर या फिर शाम के वक्त आएगा, है कि नहीं, थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग करना पड़ेगा ना। और तो क्या है, आज 31st है तो कुछ बहुत जोरों से मतलब ये चलेगा ना। अपन तो वेज है वो अपना, तो फिर अपना काम खल्लास, पनीर वाला काम चलता है। और बस कुछ ही घंटे बाकी है फिर हैप्पी न्यू ईयर लगने वाला है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छा सा साल जाओ। बुना गला बैठा है भाई, बाबा बातें करने नहीं हो रही। और देख रहे हैं ये टोपला ऊपर लगा के, बहुत बहुत यार बहुत ठंडी है नागपुर में, बहुत ठंडी है। 3-4 ब्लैंकेट ऊपर से डालना पड़ रहा, बहुत ठंडी है। और है क्या नहीं, सो आज के लिए इतना ही था। और फिर कंटिन्यू करते तिरुपति से अपन ब्लॉग। और क्या बोलना चाहता था मैं, यही नहीं अभी और सुनिए। लेकिन कुछ भी को दिसंबर के एंडिंग में या फिर जनवरी में गोवा में जाने का मजा अलग है क्या नहीं। तो चलो फिर, हैप्पी न्यू ईयर लगने वाला है, कुछ घंटे बाकी है क्या नहीं। तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और दूसरी बार, और आज के लिए इतना ही। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।